क्या मेरे काम की स्पीड कितनी, जो हमारा सेंसिटिव काम था वो खत्म हो गया या अभी वो चल रहा है? नहीं, डेकोर वर्क अभी शुरू किया हुआ है, वो साथ में चल रहा है, बाकी दो फ्लोर है। दो फ्लोर है जी। अंदाजन कब तक हो जाएगा? अभी अभी इस ग्राउंड से या नीचे से कितनी हाइट है जो अभी तक हमने बना दी? ये 101 पे है। 101 पे है तो नीचे ग्राउंड से। अच्छा, ग्राउंड से जी। 135 पे जाना। कितनी? 135 तक जी। 135 सर। इसका मतलब 34 फुट रहे जी सर। जी सर। तो अंदाजन कोई है स्ट्रक्चर की कंप्लीशन का टाइम? सर ये इसमें जनवरी में क्लियर हो जाए। इस जनवरी जी सर, तो आपकी जो फर्निशिंग की ड्रेंगे हैं या वो सारा मार्बल है, जो भी डिसीजन करने वो भी आप 15 दिन एडवांस पे रखे ना, कि जो काम आपने 15 दिन बाद करना है उसका डिसीजन आज आपके पास हो, ताकि आपकी चाल ना रुके। मार्बल तो टर्बा टाइम जो है वो डिसाइडेड हो गया है, अब जो मोल्डिंग है ना उसके लिए आज वो सैंपल हम लगवा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला इसी वीक में उसको भी फाइनल कर। अच्छा, दूसरा बच्चे एक काम करना है, जब फर्निशिंग को कोई काम ऐसा नहीं करना कि एक दफ़ा कर लिया फिर खाड़ लिया, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये बुरी लग रही है, एक ही बार में ये प्रोजेक्ट कंट्रैक्टर भी, इंजीनियर भी, सैफ साहब भी, और जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो भी, और फिर ऊपर से ये छत का पानी ड्रेन भी आना है और कुछ वाशरूमों का भी आना है, उसका जो पाइप लगाना है वो पाइप कौन सा लगाना है, उसका डाया कौन सा होगा, उसकी जॉइंटें कौन सी करनी है, वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, कभी कभी इशू नहीं बननी चाहिए, और ऐसी डक्ट ऐसी जगह से लाएं कि कभी भी उसको खोल के चेक करना पड़े कोई लीकेज, कभी पहली बात उसकी लीकेज हो ना, फिर उसको ऊपर से प्लग करना है सारे को, ताकि जब हम फिर खोलें तो वो प्लग खोल दें तो सारा काम ऑपरेशन हो जाए। तो इसमें वो आपने बहुत एक काम रखना है कि कोई सीवर ड्रेन का पाइप है तो वो पाइप बहुत अच्छी क्वालिटी